माथे पे कबू सूखो तिलक नहीं लगाना चाहिए और मांग में कबू गीलो सिंदूर नहीं भरना चाहिए। मांग में कबू गीलो सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और माथे पे कभी सूखा तिलक नहीं लगाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? काऊ के तिलक लगाओ, बामे दो बूंदी डालो पर पानी जरूर डालो। तिलक लगाते समय सूखा तिलक कभी भी नहीं लगाना चाहिए। सूखा तिलक सिर्फ और सिर्फ मुर्दे के लगता है या कि सन्यासी के लगता है, और कोई नहीं लगाता। तो तिलक कभी भी किसी संत ब्राह्मण के करो, कोई पूजा पाठ में करो, अपने भैया दौज वगैरह पे करो, कभी करो तिलक किसी के भी। तो तिलक जब भी करो तो उसमें दो बूंद पानी जरूर डालो, तब तिलक करो। मांग में कभी गीला सिंदूर नहीं भरना चाहिए, मांग में हमेशा सूखा सिंदूर भरना चाहिए। मैयाएं जो मांग भरती हैं उसमें सूखा सिंदूर ही भरा जाता है। आजकल चल गया है लिपस्टिक जैसा आता है लंबा, उसी को नेक टिप का यहाँ पे लगा लेती हैं, बस भर गो सिंदूर है गो दिखावे के ताई। जबकि मांग में सिंदूर कम से कम थोड़ा पीछे तक, तो कहते हैं दो सिक्के पीछे तक तो जाना ही चाहिए कम से कम। ये जो तलवा होता है ना, ये चांद का, आप कभी छोटे बच्चे का देखना, ये तलवा लहकता रहता है ऐसे करके वो यहाँ पे, तो कम से कम इस तलवे तक सिंदूर जाना चाहिए सुहागन नारी का, ऐसा कहते। पर अभी तो एक लिपस्टिक जैसा आता है, उसको यहाँ नेक नेक कोने पे लगाया और बस है वो काम। और कई कई तो वो भी नहीं लगाती, वो तो उल्टा पति से कह दे तू लगा ले तो लगाना है, था मैं कौन लगाऊं।